Hello everyone, welcome back to the another video of class 12th. And you know that guys, we are dealing this chapter principle of inheritance and variation. And today you are very happy that आज हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का. ओके, तो आप लोग की थोड़ी सी वो कश्मकश थी ना कि मैम चैप्टर टफ है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, बहुत टफ पढ़ रहा है ये एंड ऑल. तो वो सारी प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो जाएंगी कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, तो फर्स्टली तो गाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, बिकॉज अभी तक हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यस, देयर इज अ सम एबनॉर्मलिटीज, देयर इज अ सम मल फंक्शनिंग विच इज शोज बाय आर बॉडी. ओके, जो हमारी बॉडी शो करती है उसको हम डिसीज का नाम दे देते हैं. ओके, लेकिन सारी डिसीज जेनेटिक डिसऑर्डर में नहीं इंक्लूड की जाती है. ठीक है, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर वी आर ह्यूमन और अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो जो जितनी भी डिसीज होती है वो कैटेगराइज करती है उनके ओरिजिन पॉइंट से. ओके, इफ वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक या दीज वर्ड या दीज कंसेप्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके, दैट मीन वी जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम आर पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. जो हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में एज इट इज आई हो, वो डिसीज को हम जेनेटिक डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैम पेरेंट्स से जेनेटिक पेरेंट्स में तो और भी कॉन्जेनाइटल डिसीज होती हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं. ठीक है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, एलर्जीज हो, या इवन जैसे आप एचआईवी एड्स की बात कर लो, तो वो भी बहुत सारी डिसीज हैं जो कि पेरेंट्स से बॉडी, जो फीटस होता है या जो बेबी होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स होता है, उनकी बॉडी में ट्रांसफर होती है. लेकिन दोज डिसीज आर नॉट कंसिडर इन द जेनेटिक डिसऑर्डर कैटेगरी. वाई? बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड विद दी हेल्प ऑफ अनदर मीन. ओके, वो किसी अदर मीन से ट्रांसफर होती है. जैसे एचआईवी एड्स की बात करें तो एचआईवी एड्स बॉडी में, जो फीटस की बॉडी में ट्रांसफर होता है मदर से, वो तब ट्रांसफर होता है जब फीटस अपने प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन करती है. ठीक है, वो उसके थ्रू जा सकता है. लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो इनहेरिट होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं. पेरेंट्स आपकी ऑफस्प्रिंग्स में जा सकते हैं, बट उनको इनहेरिट होने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो थिंग्स होती है, दीज आर नोन एज अ जीन्स एंड डीएनए. ओके, अलोंग विद क्रोमोसोम. ये की तो चीज है भाई, क्रोमोसोम्स के अंदर ही तो डीएनए और जीन्स को पढ़ सकते हो आप. ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रांसमिट होने के लिए दे रिक्वायर्ड दीज, ये वो थिंग्स है जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं. ओके, तो वी कैन से दैट जेनेटिक डिसऑर्डर इज द मेडिकल कंडीशन. ओके, इट इज द मेडिकल कंडीशन. ओके, मेडिकल कंडीशन ही तो है, जब बॉडी बीमार होती है तो वो मेडिकल कंडीशन में तो आती है जब हम अनहेल्दी होते हैं. तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज द मेडिकल कंडीशन विच इज कॉज बाय जीन, डीएनए और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. ओके, जब हमारी बॉडी के क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट जीन और डीएनए एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओके, कुछ रेडिएशन की वजह से, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जब बॉडी का क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एबनॉर्मल बिहेव करे. ओके, या तो जीन की लोकेशन चेंज हो जाए, या डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है उनमें कोई डिफरेंस आ जाए, या समझ लो क्रोमोसोम के बिहाफ पर ही क्रोमोसोम का शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, या नंबर में ही डिफरेंसेस आ जाए, तो उनको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है. ठीक है, तो वी कैन राइट हियर, इट इज अ मेडिकल कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय DNA, you know that? Deoxyribose nucleic acid, gene or chromosomes, okay? Genes or chromosomes abnormalities. So we can say that it is the type of condition by which our body genetic condition, okay? Genetic condition like हमारे DNA में कुछ खराबी आ जाए, जीन की लोकेशन में कुछ खराबी आ जाए, या फिर हमारा क्रोमोसोम का साइज, शेप और नंबर्स में कुछ खराबी आ जाए, तो उसको आप जेनेटिक डिसऑर्डर में कंसीडर करते हो. दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो चेक्ड बाय द सम टेक्निक जो कि मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यूज करी थी आपको,
एमनियोसेंटेसिस। ओके, अगर रिमेम्बर हो कुछ कि एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूड होता है गाइस, वहां पर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम्स की कुछ सेल्स, हमारी बॉडी की कुछ सेल्स मिक्स रहती हैं। ये चीज मैं बता चुकी हूँ आपको एमनियोसेंटेसिस पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो क्लियर व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल रीजन या व्हाट इज द मेन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो वी कैन से दैट इट कैन बी कॉज ड्यू टू दी, ओके, इट कैन बी कॉज ड्यू टू दी, फर्स्टली तो या तो उसमें एरर आ जाए, एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, अब बोलूंगी मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिका का सिंपली मीनिंग होता है फोटोकॉपी। ओके, कॉपीज ऑफ समथिंग। ओके, तो डीएनए अपनी ही ओन कॉपीज फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सपोज दैट जब बॉडी में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही हो, मान लो ये हमारा डीएनए, ओके, और उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन से, डीएनए अपनी रेप्लिकेशन से क्या बनाएगा, दो कॉपी बनाएगा, डीएनए से दो कॉपी बनेगी। ओके, मान लो डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ मिसमैचिंग हो रही है और जो कॉपीज बन रही है वो इस तरीके की फॉर्म हो रही है, ओके, ड्यू टू सम रीजंस, ओके, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो इसको डीएनए एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की अपनी ओन कॉपीज फॉर्मेशन के दौरान देयर इज अ सम एरर व्हिच इज अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, तो दिस विल कॉज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके रेदर सम एनवायरमेंटल फैक्टर That will cause the genetic disorder. और वो environmental factors क्या हो सकते हैं, drug addict होना, ठीक है, smoking करना, smoking, drinking also. देखो वैसे तो drinking इतना वैसा factor नहीं है, लेकिन फिर भी मैं mention कर देती हूँ। और drug addiction, क्या कहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दीज आर द सम इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जो हमारा सेल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। उन सेल्स की खराब की कंडीशन में देखने को मिल जाता है कि वो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर होगी, या हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं और उनसे उनके ऑफस्प्रिंग में वो जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, रेडिएशन। और रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज आई, उसने क्रोमोसोमल साइज को, नंबर को, समझो क्रोमोसोम को ही तोड़ दिया, ठीक है, तो उससे हमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। यूवी रेज देख सकते हैं हम यहाँ पे, यूवी रेज। तो क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन विच कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। यस, इट इज अ मेडिकल कंडीशन, अ कंडीशन ऑन विच एबनॉर्मल बिहेवियर सीन इन अ डीएनए जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे इन चीजों से, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे बॉडी का, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल जो हमारी बॉडी में एज हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं, वहां पे अगर एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल जाती है तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होते हैं। इसके मेन कॉज हैं एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इवन ऑल्सो ड्रग, ओके, और एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। नाउ क्लियर व्हाट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। So, let's move to the next part of these genetic disorder, that is the types of the genetic disorder, okay? So, guys, there is a two types of disorder which is seen in the human body, is the, hum human ke case ki baat kar lete hain, so two types of disorder, genetic disorder, first one is the Mendelian disorder. Okay, and second one is the chromosomal disorder.
फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर. क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर? ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट मीन वी आर टॉक अबाउट द मेंडल्स. ओके, मेंडल ने भी बहुत बड़ी चीज बताई थी कि यस, जो ट्रेट्स हैं, जो हमारे जेनेटिक ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रिंसिपल हमारी बॉडी में हमारे पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसफर किए जा रहे हैं. ओके, उन्होंने ट्रांसमिटेड ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करा था ना. मेंडल ने पी पे वर्क करा था और पता बताया था कि पी से कैसे जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं. ओके, चाहे वो टॉल का ट्रेट्स हो, वो पॉट शेप का ट्रेट हो, फ्लावर का शेप हो. ठीक है, तो वही जब हम किस ऐसे डिसऑर्डर की बात करें, मोस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स रिलेटेड टू द जीन्स. जीन्स ही तो है जो कंट्रोल करती है ट्रेट्स को, कंट्रोल द ट्रेट्स. ओके, ट्रेट्स चाहे वो हमारी स्किन कलर हो, हमारी आई कलर हो, हमारा नोज का शेप हो, हमारी टंग की रोलिंग हो, या इवन हमारे हेयर लाइन स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, वो सारे ट्रेट्स जो हमारी बॉडी में अपीयर्ड होते हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. ओके, और जीन को फैक्टर के वे में सबसे पहले एक्सप्लेन किसने करा था भाई? मेंडल. मेंडल सारी तो थे, तो मेंडल ने तो बताया था जीन इज अ फैक्टर या जीन इज अ थिंग, फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वी ट्रांसफर द ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके, तो जब हम ऐसी एबनॉर्मेलिटीज के बारे में डील कर रहे हो जो कि रिलेट करती हो जीन से, तो उन सारों को क्या कहा जाता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है. ऐसे सारे डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू द जीन, और जीन में कहां पे भाई? डीएनए में डिफरेंस या डीएनए में कुछ खराबी आ जाए तो उसको कि उन डिसऑर्डर्स को क्या कहा जाता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है. तो वी कैन से दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन एज म्यूटेशन ऑफ द सिंगल जीन और डीएनए. एनसीईआरटी यही कहती है कि यस, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल्ट्रेशन एज म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन मेजर कॉज है, म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन डीएनए. ओके, हमारे डीएनए में म्यूटेशन की वजह से मान लो कुछ खराबी आ जाती है जीन को, एक जीन के अंदर का मैंने इलैबोरेटेड फॉर्म बताई है. ओके, वहां पे कुछ खराबी आ जाती है तो क्या होगा? वी आर फेसिंग द मेंडेलियन डिसऑर्डर. ठीक है, आ रहा है समझ में कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? वो डिसऑर्डर जो कि जीन में देखने को मिल जाते हैं. इट इज कॉल्ड ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन एज अ म्यूटेशन ऑफ द सिंगल जीन और डीएनए. ओके, एंड मेंडल सेज दैट कि वो जीन ही है इज द ओनली फैक्टर जो हमारे ट्रेट्स को हमारे जनरेशन में ट्रांसफर करती है. तो वी कैन से दैट इट इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. वी कैन से दैट ना दिस थिंग, या जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोलता है कि सेम ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड टू द पेरेंट्स, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ जीन्स. ओके, नाउ मूव टू दिस थिंग, अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम? फर्स्टली तो वर्ड से ही पता चल रहा है, इट जस्ट टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स. ओके, अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर Which is seen in a chromosomes, okay, जो कि किस पे देखने को मिल रहे हैं? क्रोमोजोम्स पे देखने को मिल रहे हैं, तो उनको कहा जाता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. इट कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ द एबनॉर्मल क्रोमोजोम. आप कह सकते हो कि जब क्रोमोजोम के शेप में चेंज आ जाए, जब कभी क्रोमोजोम के साइज में चेंज आ जाए, when the change seen in the chromosomal number, या तो क्रोमोजोम नंबर गेन हो जाए या फिर लॉस हो जाए. ओके, तो उस एबनॉर्मेलिटीज को क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहा जाता है. तो वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल क्रोमोजोम्स. ओके, वी कैन राइट हियर, इट इज कॉल्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ
presence of abnormal chromosomes. Clear है? What is the meaning of chromosomal disorder? Changes or abnormalities seen in the shape, size and number of the chromosome. So this thing is related to the chromosomal disorder. और ये भी उन फैक्टर्स की वजह से कॉज होते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एक्सपोजर हो, रेडिएशन का, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो या कुछ भी हो. वन मोर थिंग गाइज, विच इज रिलेटेड टू द क्रोमोजोम. देखो, जब हम किसी पर्सन में क्रोमोजोमल डिसऑर्डर देखते हैं, अगर मैं नंबर की बात करूं कि मान लो ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है. ओके, ड्यू टू द अबनॉर्मेलिटीज सीन इन द क्रोमोजोम्स, कुछ ह्यूमन 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम शो करें. ओके, नॉर्मली ह्यूमन हैव अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, लेकिन मान लो एबनॉर्मेलिटीज, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ गया किसी रीजन की वजह से. ओके, तो उसके अंदर हो गए 47, तो दैट मीन अब वो कैसा डिसऑर्डर शो कर रहा है? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. मान लो किसी रीजन की वजह से उसका एक क्रोमोजोम ही डिलीट हो गया. ओके, उसके पास से 45 क्रोमोजोम रह गए, तो उसको भी आप इस कंडीशन में देखोगे कि डिलीशन और एडिशन ऑफ द क्रोमोजोम, दैट मीन गेन एंड लॉस ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज, उसको एन्यूप्लॉयडी कहा जाता है. एन्यूप्लॉयडी. ओके, तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ द एन्यूप्लॉयडी ऑल्सो. ठीक है, एन्यूप्लॉयडी. अगेन आई रिपीट, व्हेन द पर्सन लॉस देयर वन क्रोमोजोम, वन एंड मोर क्रोमोजोम, या गेन देयर वन एंड वन और मोर क्रोमोजोम्स. ओके, उस कंडीशन को एन्यूप्लॉयडी कहा जाता है. गेन एंड लॉस ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉयडी. अगेन, एब्सेंस इन प्रेजेंस ऑफ द एडिशन और डिलीशन ऑफ द क्रोमोजोम इज नोन एज एन्यूप्लॉयडी. क्लियर हो रहा है ये? ओके, सो माई डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल. फर्स्टली दो मेंडेलियन डिसऑर्डर. ओके, तो आवर फर्स्ट डिसऑर्डर इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो नाउ गाइज, अभी हमें क्लियर है कि व्हाट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर. अ डिसऑर्डर विच शो द एबनॉर्मल जीन बिहेवियर. यू कैन राइट हियर, इट्स शो एबनॉर्मल जीन बिहेवियर. ओके, वी कैन से दैट ना, जीन एबनॉर्मली बिहेव करे तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है. मेंडल से रिलेट करता है ना, मेंडल ने तो बताया था ये सारी चीजें. ठीक है, अब ये एबनॉर्मल जीन बिहेवियर क्या मतलब है? ठीक है, जनरली हमारी बॉडी में जो जीन्स का अरेंजमेंट होता है वो एलेलिक कंडीशन में होता है. कि सपोज दैट ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम से. ओके, इस क्रोमोजोम के अंदर ये हमारा डीएनए है, और इन डीएनए को इलेबोरेट करें तो यहाँ पे हमारी कंडीशन दिख जाती है, जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं. ओके, ये पर्टिकुलर जीन की बात हो रही है, उसको अगर इलेबोरेट करें. ठीक है, जब कोई जीन्स किसी एक्सटर्नल या किसी एक्सपोजर की वजह से म्यूटेशन कॉज करे, म्यूटेट हो जाए. ओके, उसमें कोई खराबी आ जाए. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जीन क्रोमोजोम पेयर्स में आकर होते हैं ना, याद है ना सबको, किसी एक क्रोमोजोम के ऊपर, किसी एक पेयर के एक नंबर ऑफ, किसी एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम के ऊपर कुछ म्यूटेशन हो जाए और उसकी जीन एबनॉर्मल बिहेव करे, तो उस जीन को उस वक्त म्यूटेटेड जीन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? म्यूटेटेड जीन. और वी कैन से दैट म्यूटेटेड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज. जो डिसऑर्डर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इस म्यूटेटेड जीन की वजह से होते हैं, क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन होती है वो एक्चुअल मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, वो उन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स को, एंजाइम को, केमिकल्स को फॉर्म नहीं कर पाती जो कि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छे तरीके से होने में हेल्प करता है. ओके, क्योंकि वो खुद खराब हो चुकी है. जब वो खुद ही खराब है तो वो सारी खराब चीजें ही तो फॉर्म करेगी. ठीक है, तो जब ड्यू टू द म्यूटेशन व्हेन जीन स्टार्ट टू गेट कन्वर्ट इनटू द म्यूटेटेड जीन. ओके, तो उस कंडीशन में ये म्यूटेटेड जीन कॉज करती है डिसऑर्डर्स. क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अभी मैं क्रोमोजोम्स के अंदर की बात, जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रही हूँ. मान लो वी हैव अ सच काइंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. ओके, ये वन स्ट्रैंड, ये सेकेंड स्ट्रैंड है. यहाँ पे फर्स्ट दोनों ही स्टैंड पे हमारी जीन म्यूटेट हो गई है. इसी एक पर्टिकुलर स्टैंड की बात कर रही हूँ. हमारा यहाँ पे 80 आता था, लेकिन अब यहाँ पे हमारा
जी सी आर म्यूटेशन की वजह से तो जीन जो है वो म्यूटेट हो चुकी है। अब वो जब म्यूटेट हो चुकी है तो उसकी सारी प्रोसेस जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सारी म्यूटेटेड ही शो करेगी, इसकी वजह से वो डिसऑर्डर कॉज कर देती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? ओके, तो वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द म्यूटेटेड जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ओके ऑन अ क्रोमोसोम इट मेंडेलियन डिसऑर्डर अगेन डिवाइड इनटू अ टू कैटेगरी। सो गाइस, देयर इज अ टू काइंड ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स जीन। देखो ये दोनों कंसेप्ट भी तुम लोग लिंक कर सकते हो अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद हो कि ह्यूमन के केस में वी हैव अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज अकर इन अ 23 इन पेयर। ओके, आउट ऑफ दिस 46, 44 क्रोमोसोम्स आर दी ऑटोसोम्स। ये कंसेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए सभी को, क्योंकि 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी के, सॉरी 44 क्रोमोसोम हमारी बॉडी के वो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोज आर इन्वॉल्व इन द अदर बॉडी सेल्स फॉर्मेशन। ओके, ऑटोसोम्स आर द सोमेटिक सेल फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स, वो सेल जो हमारी बॉडी के सोमेटिक सेल्स को फॉर्म करते हैं, बॉडी के सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स सेल को छोड़ के बॉडी के जितना भी सेल्स होती हैं वो सारी किसके थ्रू बनाई जाती है, 44 क्रोमोसोम्स के। ओके, रेदर देन दीज 44, टू क्रोमोसोम्स, 44 और 2 46 हो गए ना, दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ सेक्स ऑर्गन या सेक्स सेल्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, जिनको आप एलोसोम्स भी कहते हो, ये पार्ट बता चुकी हूँ मैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे फंडा समझो कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या है और सेक्स लिंक डिसऑर्डर क्या है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर आर द डिसऑर्डर व्हेन वेयर द म्यूटेटेड जीन लोकेटेड ऑन अ ऑटोसोम या सोमेटिक सेल्स और क्रोमोसोम्स। ओके, आप कह सकते हो जो म्यूटेटेड जीन है या फिर जो एबनॉर्मल जीन है हमारी, ओके एबनॉर्मल जीन, वो कहाँ पे लोकेटेड हो, हमारे ऑटोसोम्स पे। ऑटोसोम्स हम जानते हैं क्रोमोसोमल नंबर 1, 2, 44, दैट मीन क्रोमोसोम्स नंबर 1 to 22 तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे ऑटोसोम्स हैं, और उसमें जो डिसीज, उसमें अगर कोई जीन एबनॉर्मली बिहेव करती है तो उसको ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है, उसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसा आप तब भी कह सकते हो, ऑटोसोम्स और सेक्स लिंक हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो रहा है व्हाट इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ओके, मेंडेलियन के केस में पढ़ी, उसे मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर यहाँ मेंशन कर दिया है। क्लियर है कि जब कभी भी कोई एबनॉर्मेलिटीज हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 से 22 पेयर तक देखे, दैट मीन हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 44 क्रोमोसोम्स तक देखने को मिले, तो उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर, सेम एज अ सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर, अ काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इज सीन ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, और वी नो दैट वी हैव ह्यूमन के केस में वी हैव अ 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। फीमेल के पास डबल एक्स होता है और मेल के पास एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। ये दो एक्स क्रोम, ये जो दो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, व्हेन द एबनॉर्मेलिटीज आर सीन ऑन अ दीज टू क्रोमोसोम, तो दोस थिंग्स आर जनरली लिंक टू द सेक्स लिंक मेंडेलियन इनहेरिटेंस, सॉरी मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है ये भी दो कैटेगरी के होते हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर अगेन डिवाइड दीज टू कंडीशन उसके बिहा पे डिवाइड हो जाते हैं, एक्स लिंक डिसऑर्डर और वाई लिंक डिसऑर्डर। अगर एबनॉर्मेलिटीज एक्स पे क्रोमोसोम पे दिख रही है तो इट इज नोन एज द एक्स लिंक डिसऑर्डर, और अगर एबनॉर्मेलिटीज सीन ऑन अ वाई क्रोमोसोम तो इट इज नोन एज अ वाई लिंक क्रोमोसोम्स। नाउ क्लियर गाइस, एक और कंडीशन है कि ये जो डिसीज है दोनों रिसेसिव भी होती है और डोमिनेंट भी होती है। ओके, अब ये रिसेसिव डोमिनेंट, देखो हम लोग को पता है डोमिनेंट किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ओके ओके, मान लो मेरे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम ऑलवेज अकर इन अ पेयर, मान लो
ये मेरा डोमिनेंट जीन है और ये मेरा रिसेसिव जीन है। ओके, मेरा जो म्यूटेटेड जीन है या मेरा जो एबनॉर्मल जीन है वो मेरे डोमिनेंट पे दिख रहा है। तो उस वक्त उस कंडीशन में जो भी डिसीज होगी वो डोमिनेंट होगी। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, एक ही क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड जीन को ले रहा है वो अपने अंदर डोमिनेंट है, ठीक है, तो वो किसी भी कंडीशन में रिसेसिव को नहीं कुछ करने देगी, वो खराब ही जीन बनाएगी, खराब ही कंडीशन शो करेगी, तो उसको डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट। ओके, अब रिसेसिव कंडीशन क्या होती है? रिसेसिव में क्या होता है कि जो जीन्स हमारी प्रेजेंट है, मान लो ये क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे जो जीन्स है वो दोनों ही जीन म्यूटेटेड हो गई, ये भी म्यूटेटेड होगी, ये भी म्यूटेटेड होगी। ओके, तो जब दोनों ही जीन म्यूटेटेड हो जाए पेरेंट्स की भी, अब बोलो कि मैम ये कैसे पॉसिबल है कि डोमिनेंट तो एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, ये पॉसिबल क्या है? हमें पता ना पेरेंट्स से ये पैटर्नल है। देखो यहाँ पे देख लो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जीन्स जो आती हैं वो ट्रांसफर होती है हमारे पैटर्नल और मैटर्नल कंडीशन। मान लो जो रिसेसिव म्यूटेटेड जीन पैटर्नल के अंदर थी वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, और जो रिसेसिव म्यूटेटेड जीन मदर के अंदर थी वो यहाँ ट्रांसफर कर दी। ओके, दोनों ही रिसेसिव जीन यहाँ ट्रांसफर हो गई भाई। ओके, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो रिसेसिव ही तो बनेगा, उसके अंदर डिसऑर्डर आएंगे नहीं आएंगे। तो जब दोनों ही जीन्स म्यूटेटेड हों, और जो ट्रांसफर कहाँ से आ रही हो? हमारे पैटर्नल कंडीशन से आ रही है, हमारे पेरेंट्स ने हमें गिफ्ट में दी हो, तो उस कंडीशन को रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अब रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोनों ही जीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, दोनों ही रिसेसिव रिसीव हुए हैं, दैट इज वाई उसको रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जा रहा है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट। डोमिनेंट का केस भी समझ में आ रहा है ना? मान लो जो पेरेंट्स से गैमेट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स जो फादर है उन्होंने डोमिनेंट जीन्स शो करी जो कि क्या थी? म्यूटेटेड थी। लेकिन जो मदर है उन्होंने हमें जो जीन ट्रांसफर करी वो नॉर्मल जीन थी, लेकिन रिसेसिव था, रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाया, तो म्यूटेट हो गई हमारी जीन, तो वो डोमिनेंट हो गया। तो सिंपल थिंग्स क्या है कि रिसेसिव कंडीशन में दोनों ही जीन का म्यूटेट होना जरूरी है, और डोमिनेंट कंडीशन में सिर्फ एक जीन डोमिनेंट म्यूटेड हो और वो भी डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट हो, डोमिनेंट एलील पे प्रेजेंट हो, तो उससे वो डोमिनेंट कॉज कर सकती है, डोमिनेंट डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। अब एक अच्छी बात यहाँ पे ये है, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर रिसेसिव। ओके, क्लियर है कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर द रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, सेक्स लिंक रिसेसिव भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक हमारे डोमिनेंट भी हो सकते हैं। यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर है? सो गाइस, लेट्स कैटेगराइज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, देखो अभी हम लोग कंसेप्ट समझ गए ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसी कंडीशन के बिहा पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को। एनसीईआरटी में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर दे रखे हैं वहां पे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में आते हैं आप, दीज आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये सारे रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर, इट इज दोनों आपके सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो भी एक्स लिंक, ये डिसऑर्डर जो ये म्यूटेटेड जीन देखने को मिलती है वो किस में मिलती है? एक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलती है, इसलिए इनको एक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों भी भैया रिसेसिव है, आ रहा है समझ में? ये दोनों डिसऑर्डर भी क्या है? रिसेसिव। एनसीईआरटी में जितने भी डिसऑर्डर दे रखे हैं मेंडेलियन के केस में वो सारे कैसे हैं? रिसेसिव हैं, लेकिन डोमिनेंट डिसऑर्डर भी होते हैं। अब आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन से हैं। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना इनफ है, हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिसऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो, जो भी डाउट्स हो प्लीज टेल मी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।